नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल शिवशंकर तबला। मैं हूं शिवशंकर। आज के इस वीडियो में हम धीरे-धीरे के ऊपर कुछ लेसन्स करेंगे जिससे आप अपना धीरे-धीरे प्लेइंग को और अच्छे से इम्प्रूव कर सके। बहुत लोगों ने ये मुझे लिखा था कि कुछ ऐसे मैं टिप्स उनको बताऊं कि विंटर्स में हाथ ऑलरेडी ठंडे हो जाते हैं, तो जल्द से जल्द धीरे धीरे को अच्छे से बजाने के लिए विंटर्स में क्या रियाज करना चाहिए जिससे हम हमेशा बहुत अच्छे से हाथ को रख सके और धीरे धीरे को आराम से बजा सके। तो सबसे पहले आपको जो आप टेटे बजाते हैं चार उंगली से होता है, उसको हम ब्रेकअप कर लेंगे 3 और 1 में और वो बन जाएगा टेटे। ये टेटे को हमें स्याही के ऊपर वाले भाग पार्ट में हमें बजाना है कुछ देर। जब भी प्रैक्टिस कीजिए लहरे के साथ कीजिए, उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो आपका लय के साथ बजाना बेटर होते रहता है, एज वेल एज जो भी आप बजा रहे हैं वो आगे पीछे नहीं होता है लय के। ऐसे आपको एक दो आवर्तन बजाना है। जब आप ये टेटे टेटे बजा रहे हैं, आपका थंब हवा में ऐसे उठा हुआ नहीं होना चाहिए। इट शुड बी टचिंग द रिम ऑफ द तबला। एंड बाकी तीनों फिंगर, ये जो 3 फिंगर्स हैं, वो जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसे 2-3 राउंड आप बजाइए, बीच बीच में थोड़े छोटे तिहाई से एंड कीजिए, उससे आपका तिहाई का अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव होते जाएगा। फर्दर आप अब फिंगर को और आगे ले आइए, पूरा स्याही कवर होना चाहिए, ये आपका मैदान तक। ये वही टेटे टेटे हम बजा रहे हैं जो हम यहां पे टेटे बजा रहे थे, उसी को हमने आगे बढ़ा दिया। यही टेटे से बन जाता है तेरे 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 तेरे। यहां पे आपने जब 2-3 राउंड बजाया तब तक आपका हाथ थोड़ा पहले से वार्म अप हो गया। नाउ वी फर्दर इंक्रीज द स्पेस, यहां पे जो कम है उसको आप भर दीजिए, मतलब हाथ को और आगे बढ़ा दीजिए। ये एज ऑफ द तबले से बाहर नहीं जाना चाहिए, एज ऑफ द तबले से पहले तक होना चाहिए। अब आपका पाम विल बी कवरिंग द तबला, बट पूरा पाम को इस तरह नहीं रखिए कि आपका आपकी उंगलियां ही निकल जाए बाहर। आपकी उंगलियां रिम ऑफ द तबले तक पहुंचना चाहिए। सेम 3 फिंगर्स साथ के साथ होंगे, जुड़े रहेंगे, इंडेक्स फिंगर फैला हुआ रहेगा, थोड़ा सा स्प्रेड आउट रहेगा और थंब रेस्ट करेगा हर बार रिम के ऊपर। अब ये ते ते जो बज रहा है ते साउंड से तेरे 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 तेरे, अब इसमें हम अपना लेफ्ट हैंड लगाएंगे। ले
डायग्राम ये है 65 BMP का स्पीड का लहरा मैंने रखा है। इस स्पीड में आप भी बजाइए, हो सकता है इनिशियली आपको 20 40 50 100 बार बजाने के बाद आपको हाथ में कहीं पे दर्द महसूस हो। अगर दर्द महसूस होता है मतलब यू नीड टू प्रैक्टिस मोर। जब दर्द होता है हाथ में रिड्यूस द स्पीड बट डोंट स्टॉप प्लेइंग। एक राउंड आप स्लो में बजा लीजिए अगर हाथ में दर्द हो रहा है। जब दर्द कम हो जाए अगेन इंक्रीज द स्पीड। आप मेरे साथ रियाज कीजिए इस वीडियो को चला के, एटलीस्ट 2-3 राउंड आप मेरे साथ रियाज कीजिए, देन वी विल इंक्रीज द स्पीड फर्दर। से धीरे धीरे बजाया एंड बायां से अलग अलग जगह पे मैं ओपन एंड साउंड एंड घसीट को मैं दे रहा था, गमक को उसमें ऐड कर रहा था ताकि वो मोनोटोनियस ना लगे। ये चीज आप भी कर सकते हैं एंड ये जो चीज है उस्ताद जाकिर हुसैन जी अपने बजाने में करते हैं, सो दैट व्हेन ही इज प्लेइंग अ पर्टिकुलर थिंग फॉर मेनी टाइम्स संगत में, दैट टाइम ही यूजेस द लेफ्ट हैंड टू चेंज द टोन ऑफ व्हाटएवर ही इज प्लेइंग। राइट हैंड वही तेरे तेरे बज रहा है एंड साउंड की मॉड्यूलेशन कर रहे हैं हम लेफ्ट हैंड से। लिया 6-8-7 राउंड आपका हाथ आई एम श्योर पूरा वार्म अप हो गया है। उम्मीद करता हूं ये जो धीरे धीरे का प्रोसेस मैंने आपको बताया, साथ में इतनी बार बजाया, सो दैट यू कैन ऑल्सो प्ले अलॉन्ग विथ मी एंड इम्प्रूव योर धीरे धीरे,
यह आपके लिए वाकई बहुत फायदेमंद होगा। जो मुझसे सीखना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर तो ऊपर दिया हुआ है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट करके 50% डिस्काउंटेड फीस में आप मेरे साथ अपना तबला सीखना शुरू करें। एंड मेरे तबला तालीम ऐप पे मैंने नए बहुत सारे न्यू एडवांस्ड लेवल के तबला लेसन्स 2023 में ऐड किया है। फर्दर और भी आते रहेंगे, तो उनका भी आप फ़ायदा उठाइए। एट अ वेरी लो प्राइस यू विल गेट प्रीमियम तबला लेसन्स एट तबला तालीम, जो आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Entirely my pleasure to interact with you through my tabla tutorials.